नमस्कार दोस्तों, हाउ टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑनलाइन। मैंने बहुत सारे असेसीज को सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑनलाइन स्वयं पेमेंट करने के लिए जूझते देखा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो के थ्रू मैं लोगों को थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करूं कि किस प्रकार वे अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स स्वयं ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लिक करना है, गूगल पे जाकर के आप लिखेंगे NSDL टैक्स चालान। जैसे ही आप NSDL टैक्स चालान लिखेंगे, आपको ऑप्शन आएगा ई पेमेंट फॉर टिन। जब आप ई पेमेंट ऑफ टिन पर जाकर के क्लिक करेंगे, तो अगली विंडो आपके सामने जो खुलेगी सर, वो इस प्रकार दिखाई देगी, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यहां पर सर आपको, आप TDS नहीं जमा करा रहे हैं, अपना स्वयं का टैक्स जमा करा रहे हैं, आप एक बात जरूर सुनिश्चित करें कि आप इस लिंक के थ्रू यहां पर आए हैं। आपको इंडिविजुअल, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, किसी भी प्रकार का आप असेसी मान लीजिए, जो TDS TCS नहीं डिपॉजिट करा रहे, अपना स्वयं का टैक्स जमा करा रहे हैं, चाहे एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा रहे हैं, या किसी असेसमेंट पर उनके कोई डिमांड बनी है वो जमा करा रहे हैं, उन्हें ITNS 280 सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे सर, तो ये चालान नंबर ITNS 280 आपके सामने खुल गया है। अब इस ITNS 280 में अगर आप कंपनी SSC हैं, तो आपको यहां क्लिक करना है, और अगर आप नॉन कंपनी SSC हैं, क्योंकि ज्यादातर इंडिविजुअल्स को ही ये प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें यहां अदर देन कंपनीज कैटेगरी सिलेक्ट करना है, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो। अगर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। जब आपने यहां क्लिक कर दिया, और मैं मान लेता हूं इस समय लोग असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न भर रहे हैं, तो 2021-22 के लिए जब आप रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको, क्योंकि 21-22 का फाइनेंशियल ईयर 20-21 खत्म हो गया, अगर आप 20-21 में टैक्स देते तो आपको एडवांस टैक्स सेलेक्ट करना था, पर क्योंकि आप 31 मार्च 2021 के बाद असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्स दे रहे हैं, तो ये टैक्स सर आपकी ओर से सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में जाना जाएगा, और आपको यहां पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे सर, तो ये आपको मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। दो में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो वो सेलेक्ट करिए, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है तो सेलेक्ट करिए। यहां पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर ध्यान से इंसर्ट करना है। असेसमेंट ईयर के सिलेक्शन पर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट ईयर आपको सही सेलेक्ट करना है। अगर आपने असेसमेंट ईयर गलत सेलेक्ट कर लिया, तो सर चालान मान लीजिए आप पे करना चाहते थे असेसमेंट ईयर 21-22 में, पे हो गया आपका असेसमेंट ईयर 20-21 में, क्योंकि ये कंफ्यूजन जनता जनार्दन को रहता है। मैं बड़ा स्पष्ट यहां समझा दूं सर, फाइनेंशियल ईयर था 2020-21, इससे असेसमेंट ईयर दोस्तों एक साल आगे चलता है, तो असेसमेंट ईयर है 21-22, यानी अभी आज की डेट में अगर मैं दिसंबर 2021 में खड़ा हूं और मैं वित्त वर्ष 20-21 के लिए रिटर्न भर रहा हूं, तो फाइनेंशियल ईयर है 20-21, असेसमेंट ईयर है 21-22। तो जब मैं आज की डेट में अपनी पिछले साल 20-21 की रिटर्न भरने जा रहा हूं, तो मेरा कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा 21-22, तो मुझे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 21-22। ये सर सिंपल, आपको एड्रेस की डिटेल्स अपनी दे देनी है, और एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले बोला कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया, तो ये बैंकों के नाम यहां पर आपको लिस्ट के रूप में दिखा देगा कि आप कौन से बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, आपको रिलेवेंट बैंक को सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको रिलेवेंट डेबिट कार्ड जो जो उपलब्ध होंगे, HDFC, ICICI वगैरह, वो सब यहां पर दिख जाएंगे। फाइनली जब आपने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया, तो आपको वो एक और मैसेज देगा ऑनलाइन सर्विसेज के मैसेज से, पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग डेबिट कार्ड ऑफ सिलेक्टेड बैंक। तो जो सिलेक्टेड बैंक है, उन्हीं से आपका पेमेंट डेबिट कार्ड में वो होगा, और उन्हीं से आपका पेमेंट किसी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी के थ्रू किया जाएगा।
असेसमेंट ईयर के सिलेक्शन पर दोस्तों मैंने पहले आपके साथ बात करी कि प्लीज बी वेरी विजिलेंट कि अगर आप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न भर रहे हैं तो आपका असेसमेंट ईयर है 21-22। पर हो सकता है कभी कभी आप मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल वित्त वर्ष 21-22 के लिए टैक्स दे रहे हो तो एडवांस टैक्स है आपका एवाई फिर 22-23 होगा। आपकी कोई पिछली डिमांड खड़ी है 20-21 में वो पे कर रहे हैं तो आपको वित्त वर्ष 19-20 के लिए असेसमेंट ईयर 20-21 भी सिलेक्ट करना पड़ सकता है। पर क्योंकि आज की मेरी वीडियो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर है और वर्तमान में जिस वित्त वर्ष के लिए हम भर रहे हैं वो है 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22, तो मेरा फिर फोकस है आपको कि असेसमेंट ईयर सही सेलेक्ट करें 21-22। जब आप एड्रेस वगैरह देते हुए आगे बढ़ेंगे सर तो आपको ये कैप्चा कोड फिलअप करना है। आप ये कैप्चा कोड फिल करके जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी। इस नेक्स्ट विंडो में सर ये आपको कुछ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिख रहा है सर। ये नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए आया है। आप कौन से माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, आपका बैंक कौन सा है, आपका पैन फुल नेम यहां दिखाई देगा। यहां ब्लिंक करते हुए आपको आएगा कि आप वित्त वर्ष 2021 के लिए रिटर्न टैक्स का लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। यहां पर आपका एड्रेस दिखाते हुए आपको सिस्टम आगे ले जाएगा। फाइनली यहां पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। जब आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा सबमिट टू द बैंक। इससे अब आपको ये पोर्टल उठा करके बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा ताकि आप अपना आगे का भुगतान कर पाए। अब मान लीजिए मैंने एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया तो मुझे एचडीएफसी बैंक के पोर्टल में जाकर के अपना लॉग इन पासवर्ड देना है। एचडीएफसी बैंक का लॉग इन जब खुलेगा तो मुझे कहेगा कि अपना खाता सेलेक्ट करिए, कौन से खाते से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। मेरे मान लीजिए दो अकाउंट है तो उनमें से एक अकाउंट जिसमें मेरे पैसे पड़े हैं जिससे मैं देना चाहता हूं टैक्स का भुगतान। फिर मुझे बेसिक टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, अदर, पेनल्टी, इंटरेस्ट के अमाउंट्स फिलअप करने। मेरा बड़ा सिंपल सजेशन है सर आपको कि अनलेस आप पेनल्टी का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, अनलेस आप पेनल्टी का पेमेंट कर रहे हो, आप पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स का, सरचार्ज का, एजुकेशन सेस का या इवन इंटरेस्ट का बेसिक टैक्स में मेंशन करके बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक आम करदाता को सर ये स्पेसिफिक एलोकेशन समझ में नहीं आता, तो जब तक आप पेनल्टी का भुगतान नहीं करें तब तक आप सारा का सारा अमाउंट बेसिक टैक्स में दिखा दीजिए। या मान लीजिए कोई व्यक्ति बिलेटेड रिटर्न भर रहा है और वो फीस का भुगतान कर रहा है 1,000 रुपये 5,000, तो वो अदर्स कैटेगरी में 1,000 या 5,000 की राशि डालते हुए आगे कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे। ये मैंने एचडीएफसी बैंक का उदाहरण रखा। अगर आपके सामने कोई दूसरे बैंक की बैंकिंग है तो वहां भी जो अप्रोप्रिएट कॉलम होंगे कुछ इसी प्रकार के होंगे, उनको आपको फिलअप करते हुए आगे बढ़ना है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल जिस खाते से मैं पे कर रहा हूं उसमें मुझे बेसिक टैक्स 25,000 देना है, एजुकेशन सेस 200 देना है, फीस 1,000 रुपए देनी है और इंटरेस्ट 250 रुपए देना है। मैंने ये सब फिल करके आगे बढ़ा। जब मैं आगे क्लिक करता हूं ओटीपी वगैरह से मेरा फाइनल पेमेंट हो जाएगा तो मेरे को सर एक बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, चालान का सीरियल नंबर, है ना, कौन से अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, कितने टैक्स का भुगतान हो रहा है सर, वो राशि फिगर्स में और वर्ड्स में लिखी होगी। अदर देन कंपनीज कैटेगरी में सेल्फ असेसमेंट टैक्स में इस एड्रेस पर सर ये जाकर के अमाउंट जमा हो रहा है। इस प्रकार से आपको ये फर्दर कैटेगरी पेमेंट की कंफर्मेशन मिलेगी। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे सर यहां पर तो आपको डाउनलोड करने पर एक चालान का प्रिंटआउट निकल आएगा। वो चालान का प्रिंटआउट आप अपने रिकॉर्ड में सेफ रख सकते हैं। हालांकि फॉर्म 26AS में ये चालान कुछ दिन बाद आपको अपलोडेड मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान कैसे करना है इस विषय पर जनता जनार्दन की जो क्वेरीज रहती हैं उनको मैंने इस वीडियो से कुछ हद तक एड्रेस करने का प्रयास किया। मुझे लगता है वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।